हेलो ओ डैड आप कहाँ बैठा हूँ फिर तो देखने को आगे तरस गई कहाँ गुम होती हो पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है ना जी डैड सब ठीक जा रहा है वेरी गुड अच्छा ऐसा है कि हमने और हमारी मॉम ने मूवी देखने का प्लान किया लेकिन एक शर्त पे जब तक हमारी बेटी गुड़िया नहीं रमा हमारे साथ नहीं जाएगी हम नहीं जाएंगे लेकिन डैड आप लोग चले जाएं मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है अरे बेटा क्यों चलो ना फन रहेगा और देखो तुम्हारे बगैर हमें भी मजा नहीं आया मॉम ट्रस्ट मी आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अच्छा मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्त के फादर की डेथ की वजह से डिप्रेस हो है ना जी मॉम वो बेचारा अकेला रह गया है बहुत परेशान है बहुत रो रहा था ये बात है चलो अगर हमारी बेटी डिस्टर्ब है तो फिर हम भी नहीं जाते अब नहीं डैड आप लोग मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल ना करें आप दोनों जाएं मैं फिर किसी दिन आप लोगों के साथ चली जाऊंगी प्रॉमिस हाँ प्रॉमिस पक्का वाला चलो अपना बहुत ख्याल रखना ठीक है ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज आओ जी बेचारा अदनान कितना अकेला रह गया है जिंदगी में ना उसकी मॉम है ना डैड ना बहन भाई ओ गॉड ही इज इन हॉट वाटर कितनी कितनी मुश्किल आ पड़ी है उसकी जिंदगी में हेलो अदनान मैं रमा हाँ रमा बोलो तुम ठीक तो हो ना इतनी देर से फोन कर रही हूँ फोन क्यों नहीं उठा रहे थे सॉरी मुझे पता नहीं चला तुम्हारी कॉल का तुम ठीक तो हो ना आई मीन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना हाँ सब ठीक है तुमने कुछ खाया खाया नहीं अभी मुझे भूख नहीं है जब भूख लगी तो खा लूंगा क्या करते हो अदनान इस तरह तुम्हारी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी देखो एग्जाम सर पे है और तुमने इतनी मेहनत की है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना वो सब मेहनत जाया हो जाएगी आई नो रमा मैं जानता हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में जो नुकसान हो चुका है उसके बाद कुछ भी जाया होने का डर नहीं सच पूछो तो अब जीने को दिल ही नहीं चाहता प्लीज ऐसी बातें नहीं करो संभालो खुद को हौसला दो अपने आप को कह तो तुम शायद ठीक रही हो लेकिन जब इंसान की जिंदगी में मायूसी के अलावा कोई राह ही ना हो तो क्या करे इंसान अच्छा तुम प्रॉमिस करो कि दिल छोटा नहीं करोगे और खुश रहने की कोशिश करोगे मैं भी रामिस से बात करती हूँ हम तुम्हारी तरफ चक्कर लगाते हैं ठीक है मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा चल ओके कैसा इंसान है इतनी सुबह हो गई है उठने का नाम ही नहीं ले रहा